काफ़ी वक्त से महंगाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो चाहे रसोई गैस हो, सभी चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबोध जी क्या कुछ कहना है आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि ये पूरे देश में चल रहा है, क्या कुछ इस पर है? नहीं देखिए, हम ये लड़ाई पिछले महीनों से हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हर स्तर पर संसद से लेकर सड़क तक लड़ रही है, और इसके पीछे देश के 35 करोड़ जनता के ऊपर जो लगातार हमले हैं, आर्थिक हमले हैं, उसकी आवाज़ बनने का ये लड़ाई है। ये कोई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब हम लोग देश के हिस्ट्री में $125 प्रति बैरल कभी तेल नहीं दुनिया में बिका था, जब यूपीए में हम मंत्री थे, सरकार थी हमारी, तो ये भाव था और हम 65 रुपये तेल दे रहे थे। इसलिए हमारा नैतिक अधिकार है इस बात को कहने, हम 65 दे रहे थे, आज $70 प्रति बैरल है, तो ये 100 के पार दे रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, ये समझिए। मोदी सरकार 25 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी पे के माध्यम से कमा रहा है, एक्साइज, जिसमें एक नया पैसा राज्यों को नहीं है। ये बेईमान लोग कहते हैं कि राज वैट क्यों नहीं घटाता है, पूरे देश के जितने राज्य हैं 31, 32, 24 जो भी राज्य हैं, ये सारे जो है वो यूनियन टेरिटरी लेके 2,35,000 रुपया वैट से कलेक्शन होता है, और मोदी कितना कलेक्ट कर रहा है? 25 लाख करोड़। ये मार है, ये है बात। तो इसलिए लड़ाई है ये कुंभकर्ण से, कि जब तक जागेगा नहीं, इसके कान में उंगली कर करके सुनाते रहे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।